यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी दलों से अपील करते हैं कि वे सत्र में हिस्सा लें और मुद्दों पर चर्चा करें। वहीं विपक्ष ने भी अपनी इच्छा जाहिर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। इससे पहले सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले और काम प्रभावी तरीके से चले, इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों से अपील की कि वो सत्र में भाग लेकर जनहित के मुद्दों पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र में भाग लेने वालों का स्वागत है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार गांव, गरीब, किसान की योजनाओं के मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। मैंने सभी दलीय नेताओं से इस बात के लिए अपील किया है कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है। यहाँ से हम जो भी कार्य करते हैं, संदेश देते हैं, वह देश के अंदर अपना एक नया उसका मैसेज होता है। सरकार जनहित से जुड़े हुए, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए, गांव के विकास के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए की गई योजनाओं और इनसे जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने वाला यूपी पहला राज्य होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 7 करोड़ टेस्ट पूरा कर चुका होगा और 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने वाला भी पहला राज्य यूपी होगा। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य, कोरोना प्रबंधन से लेकर के कोरोना की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन आदि को लेकर के किए गए प्रयासों पर अगर हमारे सभी मित्रगण सहयोग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो अफवाह फैलाने वाले तत्व हैं वे बेनकाब होंगे और सुरक्षा कवच के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन उपलब्ध कराया है। मुफ्त में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, इस वैक्सीन का लाभ भी सबको प्राप्त होगा। वहीं विपक्षी दलों की बात की जाए तो सदन के अंदर सरकार को घेरने का पूरा प्लान बना दिया गया है। बेरोजगारी का मुद्दा हो या भर्तियों का मुद्दा, विपक्ष इस बार पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस पार्टी गन्ना किसानों के बकाए मूल्य को लेकर, गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर, फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को अब तक 1 रुपया लाभ नहीं मिल पाया, इन मुद्दों को लेकर, अन्ना जानवरों को लेकर, बेरोजगारों के विषयों और मुद्दों को लेकर, सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, लेखपाल भर्ती, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती और खासकर शिक्षक भर्ती के उन तमाम विषयों को लेकर विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 24 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में राज्य की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लेकर आने वाली है। साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की फिराक में है। कुल मिलाकर इस बार का सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।